हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल नॉलेज पे। और दोस्तों, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक खबर मिली है और ये ऑथेंटिक खबर है। कल आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि आपको पता है, लगातार जो छात्र हैं एग्ज़ाम के बाद से ही लगातार पीएनपी पे और आसपास कई जगह लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और पीएनपी सचिव हों या माननीय मुख्यमंत्री जो सबसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ना मिल पा रहा था, कई लोगों से मिलने में नहीं दिया रहा था। तो और आप आए दिन का मतलब रोज़ आप सारे अखबार पत्रों में, जितने भी न्यूज़ पेपर हैं, सब में एक प्रकार से ये हेडलाइन ही हुआ करती थी, फ्रंट न्यूज़ हुआ करती थी आपके भर्ती परीक्षा जुड़ी हुई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगातार दबाव बढ़ रहा था। और दबाव के मद्देनज़र आज जो पीएनबी सचिव हैं वो आज मिलने के लिए तैयार हुए। और जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र हैं, उनके प्रतिनिधि दलों ने उनसे बात की, 3-4 लोग उनसे मिलने गए थे। तो उन सारी चीज़ों में क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या बात कही, उन सारी चीज़ों में चर्चा करूंगा। चर्चा न करने के अलावा मैं आपको ऐसे नहीं हवा में बात करूंगा, मैं आपको एविडेंस भी दिखाऊंगा कि हाँ क्या बात हुई, कैसे हुई, तो आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए, मोटा मोटी आपके स्क्रीन में मैं लिखा हुआ है, देख लेंगे क्या कहा उन्होंने। इसमें लिख दिया है कि पीएनपी सचिव को आज मतलब छात्रों ने ज्ञापन सौंप दिया, उन्होंने ज्ञापन ले लिया है। और छात्रों से 3 या 4 लोग का प्रतिनिधिमंडल गया था मिलने के लिए सॉरी, तो मिला उनसे और उन्होंने वार्ता की। और वार्ता करने के क्रम में उन्होंने कहा कि मुझे 2 वर्किंग डेज, पता है आपको, आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है और परसों भी छुट्टी है, तो उन्होंने टाइम मांगा है कि मुझे 15 और 16 जो 2 वर्किंग डे हैं वो दीजिए, और मैं 17 तारीख को पूरी तरीके से जांच करा दूंगा, क्योंकि मामला जो है एसआईटी को ऑलरेडी सौंपा जा चुका है। तो उन्होंने कहा कि कम से कम मुझे 2 वर्किंग डे दिया जाए। वर्किंग डे मतलब है जिस दिन कार्यालय खुले होंगे, ऑफिस खुले होंगे, उस दिन ही काम हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम 2 वर्किंग डेज दें आप, 2 वर्किंग डे में मैं सारा कुछ क्लियर कराऊंगा और जाँच जो होगी निष्पक्ष तरीके से होगी, और जांच में जो भी निकल के आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जांच के बाद ही आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, उसके पहले जारी नहीं किया जाएगा। सुनिए, एक वीडियो दिखाता हूँ मैं कि हाँ क्या कहा जो प्रतिनिधिमंडल मिलने गए थे, उनका वीडियो है। तो देखिए आप, तो सारा कुछ आपको क्लियर होगा, फिर ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी आवाज इसकी कम है। तो हमने देख लिया होगा क्या हुआ सारा कुछ, तो आप समझ गए होंगे। यानी उन्होंने कह दिया है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगा, जांच के बाद ही परिणाम आएगा। तो ये चीज़ है कि चलिए, अगर लग रहा था कि पेपर बड़े स्तर पे लीक हुआ है या लीक हुआ है छोटे स्तर पे, जो भी हुआ है तो सही सीधी सी बात है, जिस बंदे ने बहुत मेहनत की है, जिसने बहुत मेहनत की है, उसके लिए घाटा था। अब ठीक है, अगर जाँच होगी, इन्होंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से जाँच होगी और जाँच में जो कुछ भी निकल के आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ है कि जो सारी चीज़ चल रही थी उस पर थोड़ा सा पूर्ण विराम लगा है और लोग अपने काम पे अब ध्यान देंगे। चलिए, अब 17 तारीख का इंतज़ार करें, क्या होता है, जांच होती है या क्या होती है। दोस्तों, ये थी खबर आपके लिए, काफ़ी अच्छी खबर थी ये। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कर दें, नया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलती रहें। और न्यूज़ के अलावा हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं, तो बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।